ठगी के तार देश की राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, जिसकी बानगी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में देखने को मिली। आपको बता दें, जिले के पिलखुआ के रहने वाले एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए की ठगी हुई, जिसकी पीड़ित ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, उसके सामने कुछ चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें विदेशी व स्थानीय लोगों का एक गैंग के सदस्य जो भोले भाले लोगों को महंगे गिफ्ट देकर उनके साथ ठगी करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और गहराई से करने लगी तो ठगी गैंग के तार देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े होने के सबूत मिले, जिसके बाद पुलिस ने नाइजीरियन के साथ लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। गैंग के सदस्य गरीब लोगों से दोस्ती, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देकर उनके बैंक अकाउंट की जानकारी लेते थे, ये कहकर कि उनका बाहर से पैसा आना है, और ठगी का पैसा आने पर उन्हें भी 10 से 15 हजार रुपए भी देते थे। ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने उनके पास से 5 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, कई बैंक की पासबुक बरामद कर पुलिस ठगी गैंग के शिकार हुए लोगों को तलाश करने एवं मामले की अग्रिमी जांच में जुटी है। कौन से पकड़ा गया, उसको वीजा थी, कितने दिन से रह रहा था और उससे क्या क्या बरामद हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये पूरा एक केस वर्क आउट हुआ है, ये एक ठगी और ठगी का केस है, जिसमें बिलखुआ के एक व्यक्ति से लगभग 30 लाख रुपये ठगी की गई थी। इसमें पहले किसी ने मित्र बन करके उससे गिफ्ट के नाम पे पैसे डलवाए, 30 लाख के आसपास उनके निकाल लिए गए रुपए। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो प्रशांत, ये लखनऊ का रहने वाला है, और एक नाइजीरियन जो कि फिलहाल दिल्ली में रह रहा है और इसका रेव वैसे नाइजीरिया में रहता है। ये दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों से पूछताछ में हम लोगों को अलग अलग 3 बैंक के ब्रांचेज मिले हैं। बैंक के ब्रांचेज में से हम लोग 3.5 लाख रुपये लगभग सीज किया है हमने, 3,18,000 रुपये, और कैश भी इनसे बरामद हुआ है लगभग 1,12,000, जो कुल 4,30,000 रुपये की बरामद थी। फिलहाल अभी तक हम लोग कर चुके हैं, हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। इसमें और भी नाइजीरियन लोग इन्वॉल्व हैं और इंडियंस भी हैं, अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों को दिखे हैं, लगभग 2-3 इंडियंस और हैं, तो उन पर गहनता से हमें जाँच करनी पड़ेगी। ये गैंग बहुत बड़ा है, ये रैकेट बहुत बड़ा है, ये लोग प्रमुखतः ये जो नाइजीरियन लोग हैं ये दिल्ली में वास करते हैं। इनका जो हम लोगों ने अभी तक पता किया, जो इनके गैंग के मेंबर्स हैं 5-6 लोगों का, उनका प्रमुख पेशा ही यही है, वो बड़ी संख्या में लोगों को ठगते हैं और ठगी करते हैं। तो हम लोग इस पर भी काम करेंगे, उन बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इनके पासपोर्ट और वीज़ा का सवाल है, तो पहले ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे और फिर यहाँ पर शायद ओवरस्टे किए हैं, क्योंकि हम लोग इसकी अभी एग्जैक्ट स्थिति आपको बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इनका वीज़ा हमने रिकवर नहीं किया है। रिकवर करेंगे तो एग्जैक्ट डिटेल्स आपको हम डाइवर्ज कर पाएंगे, वो डिटेल्स हम जल्दी डाइवर्ज कर देंगे। फिलहाल अभी हम लोग इन्हें जेल भेज रहे हैं और आगे कार्रवाई हम लोग विवेचना ओपन रखेंगे। इसमें और भी हमें सूत्र और पात्र मिलने की उम्मीद है। सर, ये लखनऊ वाले, इसने क्या नाम बोला, इसका नाम प्रशांत है। ये सब हम लोगों ने जो भी पहला व्यक्ति ठगा गया था उसके थ्रू हम लोग पहुँचे हैं, कैसे कैसे फ़ोन कॉल सर क्या क्या आए थे, ये पूरा रैकेट वहीं से और ये ढोके यहाँ से आया है। और ये प्रशांत मुख्यतः ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो इंडियंस का रोल इसमें ये है, इंडियंस इसमें अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। अकाउंट्स ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं, किसी एक व्यक्ति का अकाउंट ये मांगते हैं कि आप हमें अकाउंट दो, किसी गरीब व्यक्ति का, किसी अनपढ़ व्यक्ति का, कि हमारा कुछ पैसा आने वाला है घर परिवार से, तो आप हमें दिलवा दो, हम जो है इसमें अपना पैसा मंगवा के हम आपको इसके एवज में पैसे भी देंगे। बेसिकली किराए पे इनका अकाउंट नंबर ले लेते हैं, और अगर उन्होंने 15,000 या 10,000 रुपया वादा किया तो 10-15,000 जो भी वादा पूरा, वो वादा पूरा भी करते हैं। तो ये घरों में जाते हैं सर मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए? नॉर्मल, जैसे कि कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आया, कोई गरीब व्यक्ति आया। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।